शाजापुर में एक तरफ हिंदू सौर्य यात्रा निकल रही थी तो दूसरी ओर दलितों पर अत्याचार के लिए न्याय प्रदर्शन हो रहा था। एक तरफ नारे लग रहे थे कि हिंदू संगठित हो और दूसरी ओर नारे लग रहे थे कि जातिवाद और प्रताड़ना बंद करो। जिले में दलितों पर हो रहे अत्याचार और झूठे प्रकरणों के विरोध में भीम आर्मी और बलाई महासंघ ने जिला मुख्यालय पर एसपी कार्यालय का किया घेराव। कलेक्टर से भी मिले। थाना अवंतीपुर बड़ोदिया के टीआई प्रदीप वाल्टर और एसआई सुरेश मेहता को हटाने की मांग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ रहता हूँ शाजापुर में, जहाँ पर भीम आर्मी के बलाई समाज महासंघ के लोग आए हुए हैं और साथ में आए हैं खड़ी के राका भैया, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि थाना अवंतीपुर बड़ोदिया में उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई चल रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ है मामला। सर, आप कैसे कह रहे हैं, दावा कैसे कर रहे हैं कि झूठी कार्रवाई हुई? मेरे ऊपर लगभग 90% केस झूठे लगाए जाते हैं और गांव का जो दमंग सरपंच है वो बार बार पुलिस की साठगांठ कर पुलिस को पैसे देकर और मुझ पर प्रकरण लगाया जाता है। अभी 6 महीने हुए मैं जेल से रिहा हुआ और मैं बरी होकर आया हूँ। साफ साफ मेरे 20 ऐसे प्रकरण है, सभी में बरी हुआ। जाति जाति वो राजपूत समाज का है। अच्छा, क्या करनी सेना के करनी सेना का कुछ प्रदेश अध्यक्ष है कुछ ऐसा बताते हैं। तो उसकी वजह से वो आपसे घृणा करता है? घृणा करता है। ये भीम आर्मी के हैं और वो करनी सेना के, शायद इसलिए इनके गांव में ये झगड़ा होते रहता है। झगड़ा नहीं होता है। मेरे गांव में अच्छे से रहता हूँ और सबको साथ में रख के चलता हूँ, मेरी समाज को। तो उसको ये भाव अच्छा नहीं लगता है कि ये इसकी समाज को आगे बढ़ाए। तो अब कौन से नए केस आए जिनमें? दो केस अभी 2 तारीख को 4 तारीख को मेरे 2 लड़के को बंद कर दिया, वो जेल में अभी झूठा उनपे भी मुकदमा। उनको रात को 1 बजे उठाया और पुलिस ले गई और दारू का केस उन पर लगाया और मेरा नाम भी उसमें घस दिया गया। और जो केस हुआ है मेरे पे वो खारिज किया जाए और मेरे जो एसआई और टीआई साहब है उनको वहाँ से हटा जाए, नहीं तो मेरी लाइफ खराब कर देंगे। तो ये था हमारे साथ राका भैया।